दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आ रहा है, अगर कोई आपके चैनल का नेम को सर्च कर रहा है और आपका चैनल सबसे पहला नंबर पे नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका चैनल का नेम जो कोई भी सर्च करेगा, यकीन मानो सबसे पहला नंबर पे आपका ही चैनल आएगा और वो बंदा आपको सब्सक्राइब भी करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप जो वीडियो डालने वाले हो ना, वो वीडियो भी आपका शॉर्ट्स में आएगा और वो वीडियो वायरल भी होगा। तो दोस्तों ये वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से, और साथ ही साथ यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक यानी ऑल सोशल मीडिया टिप्स एंड ट्रिक के बारे में भी इस चैनल पर वीडियो मिलता है। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, आपको ही फायदा होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हो कार्तिक टेक यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने YT स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर के डेस्कटॉप साइड में आपको खोल लेना है। यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा YT स्टूडियो को मैंने डेस्कटॉप साइड में खोल लिया है। अगर आपको डेस्कटॉप साइड में YT स्टूडियो खोलना नहीं आता है तो उस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद ना वो वीडियो को देख के आप लोग सीख लेना। तो पहले आप ये वीडियो को देख लो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि आपका YouTube चैनल जो है सर्च में आएगा। अगर कोई सर्च करेगा तो आपका YouTube चैनल सामने आ जाएगा और आपका वीडियो भी सर्च में आएगा। तो आपको क्या करना है, सब कुछ ध्यान से देखना है। यहाँ पर देख सकते हो मैं अगर जूम करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर पे यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग का आइकॉन है, आप लोग देख सकते हो। तो सिंपल सा आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा नेटवर्क स्लो हो रहा है इसीलिए लेट हो रहा है। जैसे आप सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको चैनल पर जो ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो चैनल का ऑप्शन है सिंपल सा आपको उसके ऊपर जाना है। और यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स लिखा है ना, यहाँ पर आपको टैग देना है, मतलब आपका चैनल के रिलेटेड टैग देना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा चैनल का नेम है कार्तिक टेक, तो मैंने टैग क्या क्या दिया है आप लोग देख सकते हो, कार्तिक टेक, कार्तिक टेक, मतलब स्मॉल लेटर में भी देना है और कैपिटल लेटर में भी देना है। आपका भी चैनल का नाम जो भी है उससे रिलेटेड कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, हर तरह से आप लोगों को घुमा फिरा के लिखना है, ताकि कोई भी कुछ भी अगर सर्च करेगा आपके नाम से रिलेटेड तो आपका चैनल ना सबसे पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेरा चैनल का नाम है जैसे कि कार्तिक टैग, मैं क्या क्या टैग दिया हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कार्तिक टैग, कार्तिक टैग, और यहाँ पर अर्निंग एप्लीकेशन रिव्यू, क्योंकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। इस चैनल पर मैं अर्निंग से रिलेटेड और यूट्यूब मतलब ऑल सोशल मीडिया के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए मैंने टैग दिया है अर्निंग एप्लीकेशन रिव्यू, ऑनलाइन अर्निंग मनी, सोशल मीडिया टिप्स, गेम खेल के पैसे कैसे कमाएं, इंस्टाग्राम टिप्स, यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब अपडेट, फेसबुक टिप्स, फेसबुक अपडेट, ऐप रिव्यू, स्मार्टफोन से अर्निंग मनी, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, स्मार्टफोन से पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, टेक और एक पैसा कैसे कमाएं। मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ वो भी इस यहाँ पर टैग में दिया हूँ, ताकि जो भी कोई सर्च करेगा इस रिलेटेड वीडियो तो मेरा चैनल आएगा, मेरा वीडियो भी सर्च में आएगा, तो इसीलिए मैंने टैग दिया हूँ। तो दोस्तों आप भी आपका चैनल से रिलेटेड भी देना है, और आपका जो आप जो वीडियो डालने वाले हो, आप जो भी कैटेगरी का वीडियो डालने वाले हो उसके रिलेटेड भी 5-10 टैग देना है, और आपका चैनल का नेम भी आपको घुमा फिरा के देना है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, सब कुछ आप लोगों को लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ टैग लगाने के बाद यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो कैंसिल और सेव दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल सा मैं सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो टैग मैंने लगाया था वो सेव हो चुका है। दोस्तों आपके चैनल के रिलेटेड टैग लगाने के बाद आप जो रेगुलर वीडियो डालोगे तो आपका चैनल सर्च में आ जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर आपका चैनल जो है सर्च में आ जाएगा। अगर कोई आपके चैनल को सर्च करेगा आपके चैनल का नेम पहला नंबर पे आएगा। और सबसे मेन बात जो है मैं बताना भूल गया था, सबसे मेन बात जो है तो आपको ऐसा चैनल का नाम देना है जो कि यूनिक हो, मतलब आपको ऐसा न्यू यूनिक चैनल नेम देना है जैसे कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं दिया होगा। ऐसा करने से आपका चैनल बहुत जल्दी सर्च में आ जाएगा।
दोस्तों अगर आपका और भी कोई डाउट से YouTube से रिलेटेड तो कमेंट आप लोग कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, अगर चैनल पर न्यू हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन देख रहे हो ना उसको ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।